नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर बिहार के गया से आ रही है, जहां शिक्षा मंडल के एक सुरक्षाकर्मी को क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन की वजह कोरोना पॉजिटिव होना बताया जा रहा है। जहां पर मंगोलिया से बिहार की तरफ आए एक शिष्टमंडल सुरक्षाकर्मी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरअसल मामला पूरा यह है कि मंगोलाई सांसद के अध्यक्ष सहित 23 सदस्य शिष्टमंडल गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे के चलते बोधगया पहुंचे थे, जहां से वो सभी दिल्ली के इंडिगो विमान के जरिए गया एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उनके शिष्टमंडल में रहे एक सुरक्षाकर्मी की फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर ही छूट गई, जो गुरुवार को ही दूसरी फ्लाइट से दिल्ली से पटना एयरपोर्ट आया और वहीं सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे थे। जब बोधगया पहुंचने पर उनकी रैपिड जांच की गई तो उनकी रिपोर्ट में इंक्लूसिव आया, यानी कि ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुरक्षाकर्मी को क्वारंटाइन कर दिया। वहीं शुक्रवार को RT-PCR जाँच के बाद सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। राहत की बात यह है कि इसमें सभी शिष्टमंडल जिनका इनसे संपर्क नहीं हो पाया, इस वजह से वो सब सुरक्षित हैं। फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें मगध मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा है। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भी इसकी भी जांच की जाएगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रेगुलर टेस्टिंग बिहार में हो रही है और बिहार सरकार का दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से जो आता है उसका टेस्ट करना है, और उसी के आलोक में जो भी व्यक्ति आते हैं उनका टेस्ट हो रहा है। और हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव निकलता ही है। इसी सिलसिले में जो डेलीगेशन आया मंगोलिया का, उसमें भी टेस्ट हुआ था और सभी लोग निगेटिव निकले हैं। केवल एक सुरक्षाकर्मी जो था, जो कि अलग से आया था, साथ में नहीं आया था डेलीगेशन के, वो अलग से वाया पटना होके आया था, वो पॉजिटिव निकला और उसको अकॉर्डिंगली आइसोलेट कर दिया गया। दूसरा, उसके साथ में जो संपर्क में जो लोग आए थे उनका भी टेस्ट कराया गया है और अभी तक सभी लोग मोस्टली निगेटिव ही हैं। मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि ये जो सिचुएशन है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। नया जो ओमिक्रॉन का, अभी तो ये WHO डिसाइड करेगा। खबर बिहार के गया से सामने आ रही है, जहां आलम हत्याकांड की गुत्थी में एक बड़ा खुलासा सामने आया। यहां पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा है। आलम हत्याकांड को लेकर यहां पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इसको लेकर SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ तौर पर यह बताया है। मामला शेरघाटी के मोहम्मद तैयब आलम हत्याकांड की गुत्थी को लेकर है, जहाँ गया पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। SSP आदित्य कुमार ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले तमाम अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें हत्या में शामिल अमनुल्लाह खान, पंकज पासवान, जिशान रहमान और मृतक मोहम्मद तैयब आलम की पत्नी आशवा परिवन को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस वारदात में मौजूद 3 अन्य आरोपी भागने में सक्षम रहे। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान अपराधियों ने सुपारी लेकर मोहम्मद तैयब आलम हत्याकांड को अंजाम देने की बात भी कबूल की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने देसी कट्टे, 5 कारतूस और घटना में इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल भी बरामद किया है। SSP आदित्य कुमार ने आगे बताया कि इसमें कई अपराधी ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड पुराना है और उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज भी हैं। अफशा प्रवीण, इससे 2009 में मृतक तैयब आलम ने शादी करी थी, लव मैरिज थी। इनके 2 बच्चे हैं अभी, और इनका आपस में कुछ जो होता है नॉर्मल की खटपट भी थी, परंतु इसका जो इलिसिट रिलेशन है जीशान नाम का एक व्यक्ति है, उससे था। जीशान की उम्र 26 साल है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इसने उसको कहा उसको कि मार दो ताकि हम लोग आपस में फ्री हो जाएँ। उन दोनों का पहले से इलिसिट रिलेशन था, इसीलिए उसने 2 लाख में बात हुई, जिसमें महिला ने अपने 1 लाख के गेवर जो है गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए ड्यू थे। जीशान ने ही सेटिंग करी इसकी आगे फोटो खान, अरमानुल्लाह और एक पंकज पासवान से, और एक अन्य व्यक्ति और है जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि इसको मार दो। तो इसी क्रम में उसने मारा, और साथ ही साथ इसके अलावा 3-4 केसेस में पहले से भी वांटेड रहा है। फोटो खान जो है आदतन क्रिमिनल है, और पीछे कई सारी घटना जो बीच में लूट की और डकैती की जो NH पे हो रही थी, उसमें भी इसका नाम था, पंकज पासवान का नाम था। और ये काफ़ी दिनों से आदतन क्रिमिनल है। इसने एक और मर्डर किया था गुरुआ में 8 फरवरी 2021 को, उसमें भी इसने कन्फेस किया है कि उसको मारा था।
टोटल जो बात थी इन लोगों की, लगभग जो फोटो खान है वो पिछले 6 साल से हम लोग इससे फरार चल रहा था। खबर बिहार के सुपौल से सामने आई है, जहां पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार ने एक बड़ी पहल की है। यहां उन्होंने पौधारोपण को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया है। पौधारोपण को लेकर पर्यावरण मंत्री की एक अनूठी पहल सामने आई, जो एक बड़ी मिसाल है। पर्यावरण मंत्री ने यहां पर एक बड़ी पहल की है। बिहार सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू ने नगर पंचायत बीरपुर स्थित कब्रिस्तान में पौधारोपण किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं है। कब्रिस्तान में पौधारोपण करने के भी साथ ही साथ उन्होंने कई फायदे गिनाए कि जो लोग दूषित वातावरण में रहते हैं और इससे प्रदूषण में भी काफ़ी बचाव मिलेगा, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर दफनाने के लिए आएंगे शवों को, उनको छाया भी मिलेगी। देखिए, आज का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इसमें कोई पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ना कोई भाजपा जदयू की बात है, ना कोई राजद की बात है। ये बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण को सही रखने के लिए हमने ईदगाह में अपना प्लांटेशन का काम शुरू किया है। पूरे राज्य में जितने भी कब्रिस्तान हैं, उन तमाम कब्रिस्तान में हम लोग प्लांटेशन का अपना कार्य का शुरुआत किए हैं। अपने छातापुर क्षेत्र के बीरपुर नगर परिषद के एरिया से हम लोग इसकी शुरुआत की है, ताकि पर्यावरण पूरी तरह शुद्ध रह सके, वातावरण पूरी तरह शुद्ध रह सके, और जो भी लोग अपने डेड बॉडी को दफन करने के लिए वहाँ पर आएंगे, उनको कम से कम छाया मिलेगा और फलदार पेड़ लगाए तो फल भी मिल पाएगा। इसी के लिए हम लोग ये नया प्रयोग शुरू किए हैं और पूरे राज्य में इस तरह का प्लांटेशन का अभियान हम लोग शुरू। देखिए, आज का जो कार्यक्रम कवर्धा से है, जहां पर एक महिला का शव मिला। महिला का शव मिलने से यहां पर हड़कंप मच गया था। बीते दिनों यहां एक महिला का शव मिला है। महिला का शव यहां पर फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। महिला का शव नीम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई थी। यहाँ हत्या की आशंका को लेकर एक महिला का शव पाया गया। परिजनों के समक्ष पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि संदेह के आधार पर मृतिका के ससुर से पूछताछ करने पर उसने हत्या की वारदात को कबूल किया है। आरोपी दशरथ चंद्रवंशी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की गई, जिसके बाद पुलिस और ग्रामवासियों को गुमराह करने के मकसद से शव को नीम के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका दिया था। आरोपी दशरथ चंद्रवंशी के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर धारा 302-201 IPC के तहत उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एक महिला का शव नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला था और थोड़ा सस्पेक्टेड तो था, लेकिन मर्ग पंजीबद्ध करके इसमें जांच जारी की गई थी। इसके उपरांत पीएम रिपोर्ट मिला, जिसमें सस्पेक्टेड डेथ होना ज्ञात हुआ और 302 धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान जो तथ्य आए, उसके आधार पर मृतिका के ससुर का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट होना पाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी थाना पंडातराय के पुलिस के द्वारा किया गया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आई है, जहां पर कवि सम्मेलन का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। इस आयोजन में तमाम तरीके से कवि मौजूद थे और हर जगह से, साहित्य जगत की दुनिया से यहां पर कवि मौजूद थे। साहित्य जगत की दुनिया से यहां पर तमाम रूप से कवियों को मौजूद किया गया था। इस कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। जयराम कन्या महाविद्यालय में कवि सम्मेलन का बड़ा आयोजन किया गया, जिस दौरान कवियों ने समाज के ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ वीर जवानों, बेटियों की वीरता और बलिदान पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर लालचंद्र गुप्त मंगल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कविता एक ऐसा माध्यम है जो मन के तारों को झकझोर देता है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुदेश रावल ने मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पंचकुला, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र से सुप्रसिद्ध और गणमान्य कवि मौजूद रहे। डॉक्टर अशोक बत्रा, प्रोफेसर कुमार विनोद यश कृति, सोनिया आक्स, अनामिका वालिया शर्मा और पुष्पलता ने कई अपनी कविताओं से लोगों का मन जीत लिया। अनामिका ने वीर जवानों और बेटियों की वीरता और बलिदान पर प्रकाश डाला। कवियत्री पुष्पलता ने मां शारदा की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इस कवि सम्मेलन में सभी कवियों ने गीत, गजल, नज्म आदि के जरिए मनोहर प्रस्तुतियाँ दी, जिसको दर्शकों और श्रोताओं ने काफ़ी पसंद किया।
खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आई, जहां गीता महोत्सव का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। इस दौरान गीता महोत्सव के दौरान श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जा रहा है। गीता महोत्सव के दौरान यहां पर श्रीमद् भगवद गीता का लगातार तेज़ी से यहां पर कुछ दिनों से पाठ चला रहा है। खबर हरियाणा से सामने आ रही है। जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती समारोह 2021 के उपलक्ष्य में गीता पाठ यहाँ चल रहा है। गीता अनुष्ठान श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण पारायण विद्वान ब्राह्मणों और ब्रह्मचारियों के ओर से यहाँ किया जा रहा है। देश भर में फैली जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से हर साल की भांति इस अवसर पर भी गीता जयंती महोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री जयराम विद्यापीठ के सेवक सतबीर कौशिक ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से उत्पन्न हुई पावन गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में पावन गीता जन्मोत्सव पर्व के अवसर पर ब्रह्म सरोवर के तट पर श्री जयराम विद्यापीठ में एक विशेष गीता यज्ञ अनुष्ठान और गीता पाठ किया जा रहा है। इस अनुष्ठान में प्रतिदिन गीता पाठ के साथ गीता यज्ञ भी किया जा रहा है। इसमें जयराम विद्यापीठ के सम्मानित सभी ट्रस्टीगण और सेवक शामिल होंगे। अनुष्ठान के शुभारंभ के अवसर पर सभी ट्रस्टी श्री जयराम गीता जयंती आयोजन कमेटी के सदस्य और भक्तगण श्रद्धापूर्वक गीता आरती में शामिल हुए। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आई, जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी तमाम तरीके से खट्टर सरकार को निशाना बनाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां पर गरजे हैं और उन्होंने जिस तरह से पार्टी को लेकर तमाम तरीके से बातें करी हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रदेश के सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में हर साल करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। रात को सड़क बनाई जाती है और सुबह टूट जाती है। मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में अलग अलग आयोजन करके पूरी तरह से लूटा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि माफियाओं की ओर से नगर पालिका की जमीन पर भी कब्जा करवाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र को एक नया और भव्य अगर रूप दे पाएगा तो वो सिर्फ कांग्रेस है। वहीं किसान आंदोलन पर भी रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लेकर सवालों के घेरे में लाके खड़ा किया है। सुरजेवाला ने यहाँ पूछा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोग आप मजदूर और दुकानदारों के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? दोनों लोग हरियाणा की जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या? सुरजेवाला ने कहा कि सैकड़ों किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो गई, किसानों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनकी बिजली पानी सब काट दी गई। अब आखिरकार किसानों के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। सुरजेवाला के अनुसार पंजाब ने हमेशा किसानों को सम्मान दिया है और हमेशा किसानों के साथ भी खड़ा रहा है। पंजाब सरकार मृतक किसानों को 25 लाख का मुआवजा दे और उनके परिवार को रोजगार भी दे। मृतक किसानों की लिस्ट हरियाणा कांग्रेस पार्टी के पास भी है। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आई, जहां पर बीमारी भगाओ के दौरान एक रैली निकाली गई। ये रैली इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये साइकिल पे निकाली गई थी। एक साइकिल रैली यहां निकाली गई, पंजाब के अमृतसर में एक साइकिल रैली निकाली गई जो कि बीमारी के प्रति जागरूकता के तहत इस रैली को निकाला गया। अमृतसर में गैर संचारी बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता मुहिम के तहत साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली की अगुवाई डिप्टी सीएम ओपी सिंह और शहर के सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने की। इस मौके पर डिप्टी सीएम सोनी ने कहा कि साइकिल चलाने से कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, जैसे आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से भी आप निजात पा सकते हैं। इसीलिए साइकिल चलाना एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके साथ ही सोनी
ने कहा कि अमृतसर में जल्द 120 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही सोनी ने कहा कि कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है जिसने 14 देशों में दस्तक दी है, जिसमें भारत में 2-3 केस इस वेरिएंट के भी पाए गए हैं। सारे डॉक्टर ने किया, सारे नर्स ने किया, पैरामेडिकल स्टाफ ने काम किया, तो सारे ही काम किया करोना। मैं इस काम लिए सारे का धन्यवाद भी करना सरकार वालों। सो साडा फर्ज भी बनता कि असी जिथे भी बैठे हैं जो साड़ी ड्यूटी है उन्होंने निभाइए, मेहनत निभाइए, इमानदारी अपनी ड्यूटी निभाइए। सो जे उन्हें काम किया करोना च तो मैं ये डिनाई नहीं करता। सो असी जिहड़ा जायज है इन्हों का जो जायज मंग है इन्हों की वो असी मनने ही मनने हैं। सो जी नहीं मनने वाली कई बार मुश्किल आ जाए सरकार को, एक तो महकमा नहीं किन्ने डिपार्टमेंट ने पंजाब के, सो एक का नहीं फिर सारे का करना पैंदा। सो जी कोई इन्हों की जायज मंग है वो असी मैं इन्हों अगे विश्वास पाया कि जी होने वाली मंग है वो असी जरूर। आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। शुक्रिया।